अच्छा जी, ये लास्ट लेक्चर में हम जो है वो इन्हेलेटर्स पढ़ रहे थे। तो इन्हेलेटर्स जो है वो मैंने बताया था क्या होते हैं, कि ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर जो फंक्शन को जो है वो इन्हेलेट कर देते हैं, मतलब कि उसका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसको वो ज़ीरो कर देते हैं फंक्शन के लिहाज से। ये यानी कि चेंज होते हैं, फर्ज करो एक्स है तो उसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वेयर एक्स। तो जो डी स्क्वेयर है वो इसका क्या हुआ, इन्हेलेटर हुआ एक्स का। तो ये डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर में, सारा कुछ बताया था कि एक्सपोनेंशियल कौन सा होता है। चलिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, आपको नज़र आ रही होगी ये डी एन इन्हेलेट्स, ये वन को भी करेगा एक्स को भी, एक्स स्क्वेयर यानी एक्स एक्स वन होगा तो सिंपल डी उसको इन्हेलेट कर देगा, एक्स होगा तो उसको डी टू इन्हेलेट कर देगा, एक्स टू होगा तो डी थ्री कर देगा उसको इन्हेलेट। तो इन्हेलेटर ज़्यादा भी होते हैं, मतलब अगर एक्स को डी स्क्वेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली डी क्यूब भी करेगा ये उसको इन्हेलेट। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक देखिए आपको कैपिटल एल नज़र आ रहा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, इसकी भी बात हुई थी कि ये लिखा हुआ है लेटर ऑपरेटर, तो नीचे एल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो ये जो कैपिटल एल है ये डी की फॉर्म में होता है, यानी ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं इन ये इनकी फॉर्म में कैपिटल एल होता है। तो ये एग्जाम्पल दी होती है कि कैसे दी हुई है कि कैसे इनको डी की फॉर्म में लिखा जाता है, कैपिटल डी की फॉर्म में। तो कैपिटल डी भी डिफाइन है ऊपर कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो डी कैपिटल डी वाई का मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो वाई डबल डैश हो तो डी स्क्वेयर प्लस फोर वाई डैश हो तो डी, और ये फिर यहाँ वाई डेरिवेटिव नहीं है तो कोई डी नहीं, तो प्लस फोर आ गया तो वाई बाहर बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एल ऑफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब नीचे देखते हैं कि इन्हेलेटर्स की मदद से हम कैसे जो है वो अपना यूसी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो पिछले लेक्चर में क्या किया, पहले हमने यूज़ किया था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट पिछली शायद एक्सरसाइज में, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस जो है वो सपोज करते हैं। तो इसमें भी देखेंगे हम इन्हेलेटर्स की हेल्प से कैसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो सपोज करते हैं और फाइंड करते हैं। तो मतलब ये कि आपको पहले इन्हेलेटर्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है और इसका इन्हेलेटर ये है, तब जाके वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे, इसमें तो ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर दो फंक्शन है और दोनों का इन्हेलेटर जो है वो एक जैसा है, तो फिर वो इन्हेलेटर जो है वो उनके दोनों फंक्शंस के लीनियर कम्बिनेशन को भी इन्हेलेट करेगा। यानी कि ये लिखा हुआ है एल अगर वाई वन को ज़ीरो करता है, एल वाई टू को ज़ीरो करता है, जो एल है फिर वो इस पूरे लीनियर कम्बिनेशन को इन्हेलेट करेगा, एक बात। और दूसरी बात लिखी हुई ये सी में है कि अगर एल वन सपोज इन्हेलेट करता है वाई वन को, एल टू इन्हेलेट करता है वाई टू को, तो अब y1 और y2 के लीनियर कॉम्बिनेशन को कौन सा इन्हेलेटर जो है वो इन्हेलेट करेगा, तो जो l1 l2 का प्रोडक्ट होगा वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को इन्हेलेट करेगा। तो ये वो बात लिखी हुई, ये यूज होगी, ये एग्जाम्पल दी हुई है कि डी स्क्वेयर अगर 7 माइनस एक्स को एनिहिलेट करता है और डी स्क्वेयर प्लस 16 साइन 4 एक्स को एनिहिलेट करता है, तो इसका मतलब ये है कि 7 माइनस एक्स प्लस इस जो साइन है इसके जो लीनियर कम्बिनेशन है इस सारे को 7 माइनस एक्स प्लस 6 टाइम्स साइन 4 एक्स, इसको इनका प्रोडक्ट एनिहिलेट करेगा, डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर प्लस 16।
अब ये चीज़ें यूसी मेथड में यूज़ कैसे होती हैं? यूसी मेथड हमें बेसिकली यही था कि हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पिछले लेक्चर पिछले जो है वो सेक्शन में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स किसी भी ऑर्डर की, नॉन होमोजीनियस, तो होमोजीनियस को पहले हम निकाल लेते थे सॉल्यूशन, फिर नॉन होमोजीनियस के लिए हम उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो सपोज करते थे, वो राइट साइड पे जो फंक्शन होता है उसको देख के कि वो कांस्टेंट है तो फिर क्या वाई पी की फॉर्म होगी, साइन वाला है तो फिर क्या फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल है तो फिर क्या फॉर्म होगी, अगर इनका प्रोडक्ट है या सम है तो फिर क्या फॉर्म होगी इनकी। यहाँ पर भी वही है यूसी मेथड। अब इसमें और उसमें हमने देखा था वो ग्लिच सी आती है कि वाई सी में रेपिटेशन, वाई सी और वाई पी में अगर रेपिटेशन हो रही है तो फिर आपने एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है एक्स वो रिमूव करने के लिए रेपिटेशन। तो यहाँ पे उस वो जो रेपिटेशन है वो मसला नहीं आता, या रेपिटेशन जो ग्लिच है वो नहीं आती यहाँ पे जब हम यू सी मेथड इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिहिलेटर्स, तो वो नहीं आती, वो आसान है इसमें, वो काम निकल जाता है। अब इसको करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3 है और वो कहा जाता है कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ यू सी मैथड। अब चाहे तो आप जो पिछले सेक्शन वाला यू सी मैथड है जो उसमें तरीका बताया गया था उस तरीके से सपोज कर लें पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका, चाहे तो एनिहिलेटर्स की हेल्प से सपोज कर लें। तो अगर एनिहिलेटर्स की हेल्प से करना है तो फिर क्या करेंगे? पहला तो वही काम आपने वाई सी निकाला है इसका, ठीक है, होमोजीनियस पार्ट का आपने वाई सी निकाल लिया, ठीक है। अब आपने जो राइट साइड पे फंक्शन है 4x2 है, इसका देखना है कि इसको कौन सा एनिहिलेट करता है और देखना है कि उसकी पावर मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि अब 4x2 को जारी बात है d square नहीं करता d cube एनिहिलेट करता है, d 4 भी कर देता है इसको, d 5 भी कर देता है, सारी पता 0 के डेरिवेटिव बार बार लेते जाएंगे तो 0 ही देगा, इसका वो भी करेगा इसको एनिहिलेट, लेकिन जो मिनिमम पावर है वो 3 वाली है, तो इसका मतलब है जो है वो हमने डी क्यूब लिखना है, डी 4, 5, 6, 7 ही लिखना, डी क्यूब लिखना है, तो डी क्यूब जो है वो इनहिलेट करे, इनहिलेटर इसका लेना है हमने 4x2 का। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि 4x2 का जो इनहिलेटर है वो डी क्यूब है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इनहिलेटर्स आपको आने चाहिए, अगर नहीं पता चलेगा कि कौन सा इनहिलेट कर रहा है तो फिर आगे नहीं चल सकेंगे। डी क्यूब आ गया, अब दोनों तरफ इक्वेशन को जो है वो डी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, और बिफोर मल्टीप्लीकेशन आपने इस इक्वेशन को डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी वाई डबल डैश जो है डी स्क्वेयर आएगा प्लस 3d आएगा प्लस 2 आएगा और वाई बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कैसे इसको डी में लिखना है, तो ये आ गया, तो डी क्यूब दोनों तरफ लिख दिया, तो राइट साइड 0 हो जाएगी, डी क्यूब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड बच गई हमारे पास डी क्यूब इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसकी आप एक्सेलरी इक्वेशन बना लें, एक्सेलरी इक्वेशन वही है कि एम आ जाता है, वो सारा डिटेल बताई गई थी कैसे ये जो है वो एम आता है, तो सिंपली क्या आएगा, इधर एम क्यूब आ जाएगा, इधर एम स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें फिर वाई नहीं आता ना एक्सेलरी इक्वेशन में, ये भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कैसे जो है वो नहीं आता। अच्छा जी, ये आगे फिर जो है वो इसका सिंप्लीफाई करके ये आ गया, इसके अब इसके आप रूट्स देख लें, एम क्यूब है 3 दफ़ा रूट 0 3 दफ़ा आएगा, एक दफ़ा वन माइनस वन आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस टू आ जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन सिंपली हमने आपके पास ये रूट्स आ गए ना, सिंपली अब हमने वही मेथड आप यूज देख लें कि इस इन रूट्स की हेल्प से हमने सॉल्यूशन कैसे लिखना है, क्योंकि हमने पास सॉल्यूशन y = e^mx सॉल्यूशन होता है तो उसी की हेल्प से ये सारा कुछ लिखा जाता है, तो e पर एम एक्स जो है वो जिस तरह वो जो वाई की रिमूवल है वो भी उसी तरह थी कि वो उस तरह का हम कर देते थे, कैसे हम जो है वो उसको निकालते थे y = e^mx रख के। तो सिंपल बात ये है कि ये जो रूट्स आ गए हैं इनकी हेल्प से हमें सॉल्यूशन लिखना है, e पर एम एक्स हमने सॉल्यूशन सपोज किया हुआ है, तो पहले लिखेंगे 0, क्योंकि 0 3 दफ़े हैं तो रेपिटेशन वाला रूल लगाएंगे, C1 आएगा प्लस C2x आ जाएगा प्लस C3x² आ जाएगा, तो 0 e पर 0 है तो 1 साथ आता जाएगा, तो अगले में जो है C4 e पर माइनस 1, अगले में प्लस C5 e पर माइनस 2x। अब जो है
क्या करेंगे जी, ये अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर वाई सी आ रहा होगा, ये जो वाई लिखा है ना आपने, इसके अंदर वाई सी आ रहा होगा जो आपने पहले लिखा हुआ होगा शुरू वाले जो है वो इक्वेशन नंबर जहाँ पे जो नाइन है यानी जो गिवन इक्वेशन है उसका जो वाई सी हमने लिखा होगा वो इसमें अंदर अंदर आ रहा होगा, उसको निकाल दें तो बाकी जो होता है वो आपका सपोजिशन होती है वाई पी की। ठीक है जी, ये नंबर 12 लिखा हुआ है, बाकी क्या बचा है सी वन उसको ए कर दिया, सी टू को बी कर दिया, सी थ्री को जो है वो सी कर दिया। तो ये सपोजिशन, अब वही तरीका है कि इसके डेरिवेटिव एक दफ़ा लें दो दफ़ा लें और वापस आपके अपनी इक्वेशन में पुट करें, उनको कंपेयर करें, कोफिशन निकालें तो आपका जो है वो वाई पी आ जाएगा। तो वाई पी आपका ये आ गया 7 - 6x + 2x2। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो ये लिख दिया आपका वाई सी स्टेप थ्री के बाद। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, अब वही साइन आ गया है इक्वेशन नंबर अगर 14 को मैं डिस्कस करूँ तो इसके पहले वाई सी हमने निकाला इसका वो ये आ गया, अब जो है वो अब राइट साइड पे देखना है हमने कि इसको कौन कौन एनिहिलेट कर रहा है। अब e पर 3x को d माइनस 3 एनिहिलेट करता है और साइन को d स्क्वायर प्लस 1 एनिहिलेट करता है। ये किधर से एनिहिलेटर्स आ रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कि साइन और कॉस और एक्सपोनेंशियल को कौन कौन सी चीज़ें एनिहिलेट करती है। तो इसका मतलब है ये जो राइट साइड पे दो फंक्शन का सम है इसको कौन एनिहिलेट करेगा, ये प्रोडक्ट इसको एनिहिलेट करेगा डी माइनस थ्री और डी स्क्वायर प्लस वन की, जरूर मैंने बताया आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दें इस आपकी जो 14 है उसके दोनों साइडों पे, ठीक है, डी में चेंज करना है इसको, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी बाहर वाई आया और ये राइट साइड पे जीरो हो गया। अब फिर इसकी हमने वो बनाई एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, तो एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या हो गया जी, एम माइनस थ्री एम स्क्वायर माइनस थ्री। ये अब जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए ये पूरा आपको वो पूरा वापस ना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पूरा डी को करें फिर वाई को अंदर मल्टीप्लाई करें फिर वो डेरिवेटिव की फॉर्म आएगी फिर वाई इज इक्वल टू ई पर एम एक्सपोज करें और एक्सपोनेंशियल नॉन जीरो करके तो फिर आपका जो है वो ये आएगा, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सिंपली बस डी की जगह एम आएगा वही आ जाता है, ये सारा आ गया। इसको प्लस माइनस किया, इसके रूट्स निकाले तो रूट्स इसके एम ज़ीरो आ गया, उसके लिए सी वन आ गया, एम थ्री दो दफ़ा आएगा तो थ्री के लिए दो रेपिटेशन रूट्स आ गए और m² + 1 = 0 यानी कि m² = ± i। तो एम प्लस माइनस आयोटा आएगा तो उसके लिए साइन कॉस आ गए। आप इसमें से वाई सी निकाल दें, सी वन प्लस सी टू ई थ्री एक्स ये वाई सी है और बाकी आपकी सपोजिशन है वाई पी वाली, इसमें आप वो ग्लिच वाला खुद बहुत रिमूव होती जाती है चीज़। तो बस ये प्लस माइनस करें तो आपका वाई आ जाएगा। 16 भी एग्जांपल इसी को जो है वो बताती है, ठीक है। ये सारा यूसी मेथड है विद द हेल्प ऑफ एनिहिलेटर्स। तो अब इसमें जो हमने यूसी मेथड हमने यूज़ किया, एक तो यूज़ किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑर्डर कुछ भी हो उसके लिए हमने देखा है कि कैसे जो है वो हम यूसी मेथड की हेल्प से उसके नॉन होमोजेनियस पार्ट का जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं फिर उसका हम जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ये यूसी मेथड में और पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे, एक तो रिस्ट्रिक्शन है होमोजेनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और दूसरी रिस्ट्रिक्शन है जो फंक्शंस हैं राइट साइड पे वो सारे नहीं ले सकते, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन है जिस तरह ये लिखा हुआ है, लॉग नहीं ले सकते, इनवर्सेस वगैरह नहीं ले सकते, टैन कोटैन ये नहीं ले सकते, इनमें हमारे पास सपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि अगर कुछ भी आ जाए राइट साइड पे तो कैसे हम उसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे जो है वो
आपका जो लीनियर क्वेश्चन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली हो या ना हो, फंक्शन राइट साइड वाला जो हम पढ़ चुके हैं वो हो या ना हो, चाहे कुछ भी फंक्शन राइट साइड पे, तो कैसे उसका जो है हम सोचें लिखा जाता है वो, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, जो उसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कहते हैं, उसका मेथड का नाम है। तो इसमें काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस हैं 4.5 में, इजी हैं, तो वो करेंगे हम इंशाल्लाह, हम मतलब आप करेंगे। ठीक है जी, मैं इसको जो है वो वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगा, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।